तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं रेडमी Y2 और रेडमी S2 के बारे में। क्या इन दोनों डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो कब तक इसी डिवाइस में देखने को मिलेगा, आज की वीडियो में आप सभी को वही बताने वाले हैं। और मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि जो Redmi Y2 में जो अपडेट मिला है हमें देखने को, इस अपडेट में बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या Xiaomi की तरफ से MIUI 11 का ये लास्ट अपडेट था या फिर इसके अलावा भी MIUI 11 का और कोई अपडेट देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों MIUI 11 के नए स्टेबल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि Xiaomi की तरफ से बहुत ऐसे अपडेट होते हैं जिनका टेस्टिंग सीजन दौरान कम्प्लीट हो जाता है चाइना में, पर हमारे इंडिया में उसे रोल आउट नहीं किया जाता। पर दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का ये कहना है कि ये जो अपडेट है रेडमी Y2 और रेडमी S2 में मिलने वाला है, इस अपडेट में क्या कोई नया फीचर से देखने को मिलेगा या फिर अपडेट देखने को ही नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि Xiaomi की तरफ से MIUI 11 का 11.0.6.0 ये अपडेट हो सकता है आप सभी को रोल आउट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है, इस अपडेट में हो सकता है आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ छोटे मोटे फीचर्स देखने को नए मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि Xiaomi की तरफ से MIUI 11 का चाइनीज बीटा रोम में सस्पेंड कर दिया, यानी कि उसे स्टॉप कर दिया गया, अब कोई MIUI 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। पर आप सभी को बता दें कि आपके रेडमी Y2 और रेडमी S2 में, इन दोनों डिवाइस में आपको एक अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा, एक या दो अपडेट। वो कब तक देखने को मिलेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि अप्रैल मंथ के दौरान ये अपडेट आप सभी को देखने को मिल सकता है। अगर अप्रैल में नहीं मिला तो मई मंथ के दौरान ज़रूर ही मिल जाएगा, क्योंकि 1 से 2 महीना लगता है अपडेट रोल आउट करने में, तो आपको ये अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं MIUI 12 के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी बता दें कि MIUI 11 में जो फीचर्स नहीं देखने को मिला है, तो आप सभी को MIUI 12 में ज़रूर अपडेट देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, ऑफिशियल डार्क मोड, ये सारे जो फीचर्स हैं आप सभी को MIUI 12 का अपडेट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी बता दें कि MIUI 12 आने से पहले Xiaomi की तरफ से एक ऑफिशियल लिस्ट आता है, और उस ऑफिशियल लिस्ट में आपके डिवाइस का अगर नाम दिया जाएगा तो ही आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है कि रेडमी Y2 में MIUI 12 का अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं Android 10 का, तो Android 10 आप सभी को शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस डिवाइस में पहले से ही Android Oreo का अपडेट देखने को मिल चुका है और Android Pie का, तो मुझे नहीं लगता है कि Android 10 का आप सभी को इस डिवाइस में अपडेट देखने को मिलेगा। पर देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है, हो सकता है इस डिवाइस में भी आप सभी को Android 10 का अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।